नमस्ते दोस्तों, मैं गिराज प्रजापति आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल गिराज प्रजापति मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूं आपको ये मिट्टी पीसने की मशीन जो इससे बारीक हो जाती है, इस तरह से ये मशीन काम करती है। यहां से ये होल है, इस होल से मिट्टी डाली जाती है और यहाँ से ये आउटपुट है जिसमें से बारीक होकर निकल जाती है। ये इनपुट है और ये आउटपुट, ये पिसकी हुई निकल जाती है। और ये भाई हैं, भैया क्या नाम है आपका? फिरोज। ये फिरोज भाई हैं, तो ये मिट्टी पीसने का काम कर रहे हैं। ये मिट्टी पीस के इधर से आ जाएगी और ये मोटर लगी हुई है, इस मोटर की सहायता से ये घूमता है और ये इधर से डलती है मिट्टी, सब डल जाएगी इधर से और ये पिसके उधर से बाहर निकल जाएगी। और ये स्विच है, यहाँ से बंद कर दिया और ये पिसी हुई मिट्टी इधर निकल गई और ये वहाँ से लेके आ रहे हैं और ये मिट्टी पीस के तैयार होगी, बिल्कुल बारीक हो जाती है। बारीक होने के बाद इनको इसमें यहाँ पे गड़ाया जाता है, गड़ा के फिर इससे लकड़ी के बुरादे से के साथ मिला के इनको बढ़िया गुंदाई की जाती है। गुंदाई करने के बाद ये ऐसे मुट बनाए जाते हैं, इनको मुट बोलते हैं, जो मटकी घड़ने के काम आता है। और ये मटकियाँ हैं इनकी जो बन के तैयार होगी, ये गीली है, ये गीली मिट्टी है, गीली मटकी जो कल बनाई थी इन्होंने, ये कल बनाई हुई है, ये कल बनाई थी इन्होंने मटकियाँ। और ये पका हुआ माल है, ये इन्होंने पका के स्टोर कर रखा है, एक नंबर माल है, नंबर वन क्वालिटी का माल है। और ये इनकी भट्टी है, ये इनका लकड़ी का स्टॉक कर रखा है। ये भट्टी अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये अंदर वाला एरिया है, इसमें सरिये लगे होते हैं, सरिये का जाल बिछा हुआ था। और ये इधर से मौकी होती है तो इसमें से लकड़ी दी जाती है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे। थैंक यू दोस्तों।